हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज एक्स, एक ऐसा गेमिंग चैनल जहां मैं आप सबको गेमिंग स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। और आज मैं टेकन की कंप्लीट टाइमलाइन कवर करूंगा। यहां टेकन में कई कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी स्टोरी लाइन है, लेकिन आज मैं फोकस करूंगा मिसिमा फैमिली की स्टोरी लाइन पर, क्योंकि टेकन सीरीज की पहचान मिसिमा क्लैन से है। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सरशिप के बारे में। सो गाइज, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नोस्ट्रा प्रो ऐप। अगर आप सबको खेलकूद और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप सब ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आप सबको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप सब काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, पैसे कमाने के बाद आप पैसे को पेटीएम या बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साइन अप करते ही आप सबको मिलेगा 100 रुपीज़ का बोनस। सो बिना समय गवाए डाउनलोड कीजिए नोस्ट्रा प्रो ऐप को, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। सो गाइज, टेकन की स्टोरी शुरू होती है जिनपाची मिसिमा से, एक वेल नोन फाइटर और मिसिमा जायबात्सु नाम की आर्मी का कंट्रोलर। यहाँ जिनपाची मिसिमा का एक बेटा था हिहाची मिसिमा, जिसकी नजर मिसिमा जायबात्सु आर्मी पर थे। लालच में आकर हिहाची अपने पिता जिनपाची को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फाइट में हिहाची जीत जाता है और मिसिमा जायबात्सु आर्मी को अपने अंडर कर लेता है और अपने पिता को एक पुराने मिसिमा टेम्पल के अंदर सील कर देता है। कुछ समय गुजरता है और एक दिन हिहाची के ट्रेनिंग सेशन के दौरान डोजो में काजुमी नाम की एक लड़की आती है। काजुमी हिहाची के अंडर ट्रेनिंग लेकर मिसिमा स्टाइल मार्शल आर्ट सीखती है और समय गुजरते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उन दोनों को एक बेटा होता है जिसका नाम वो काजुया रखते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद एक दिन ट्रेनिंग के दौरान काजुमी बेहोश हो जाती है। उस दौरान काजुमी की बॉडी आग की तरह तप रही थी, लेकिन अगले दिन काजुमी का फीवर जा चुका था और हिहाची काजुमी के अंदर एक अलग ताकत महसूस करता है। हिहाची को पता चलता है कि उसकी वाइफ एक डेविल है जो उसे जान से मारने यहाँ आई है। दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें हिहाची काजुमी को हराकर उसे जान से मार देता है। यहाँ हिहाची को लगता है कि उसके बेटे काजुया के अंदर भी डेविल जीन है, जिसका पता लगाने हिहाची अपने 5 साल के बेटे काजुया को पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर उसे बताता है कि उसने काजुया के माँ को जान से मार डाला। काजुया अपने गुस्से का कहर हिहाची पर बरसाता है, लेकिन फिलहाल वो बहुत छोटा है ये इंश्योर करने कि उसके बेटे के अंदर डेविल जीन है। हिहाची अपने बेटे को पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक देता है। अगर काजुया फॉल को सरवाइव कर गया तो इसका मतलब होगा कि काजुया के अंदर डेविल जीन है। 20 साल बाद कुछ सालों तक नाम और शोहरत कमाने के बाद हिहाची पहला किंग ऑफ आयरन फिस्ट नाम का एक फाइटिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है जो टेकन के नाम से मशहूर होता है, जिसमें दुनिया के कई काबिल फाइटर्स ह्यूज प्राइज मनी और फेम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। हिहाची सारे फाइटर्स को हरा देता है, लेकिन उसका आखिरी ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा काजुया निकलता है जो अब काफी काबिल फाइटर बन चुका है। इसका मतलब काजुया के अंदर भी डेविल जीन है जो उसकी माँ से उसके अंदर इनहेरिट हुआ, और डेविल जीन की वजह से काजुया फॉल को सरवाइव कर पाया और अपने मन में बदले की भावना लिए काजुया अपने पिता से लड़ना चाहता है। काजुया हिहाची को हरा देता है और अपना बदला पूरा करने के लिए हिहाची को उसी पहाड़ी की चोटी से फेंक देता है जहां से हिहाची ने उसे फेंका था। और अब हिहाची के जाने के बाद मिसिमा जायबात्सु का कंट्रोल काजुया अपने अंडर ले लेता है, लेकिन काजुया जायबात्सु आर्मी की पावर का सही इस्तेमाल करने के बजाय गलत इस्तेमाल करने लगता है, जहां वो डॉक्टर बोस्कोनोविच की मदद से एनिमल्स पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करने लगता है और इस एक्सपेरिमेंट के चलते एलेक्स और रॉजर का जन्म होता है। लेकिन कुछ समय बाद WWWC नाम के एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को काजुया के इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। इस दौरान काजुया किंग ऑफ आयरन फिस्ट का सेकेंड टूर्नामेंट शुरू करता है। टूर्नामेंट के दौरान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की ऑफिसर जून कजामा
काजुया के एक्सपेरिमेंट को रोकने के मकसद से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। टूर्नामेंट के दौरान काजुया और जुन कजामा एक दूसरे के करीब आते हैं और जुन कजामा प्रेग्नेंट हो जाती है। काजुया सारे फाइटर्स को हराते हुए फाइनल राउंड तक पहुंचता है, जहां उसका सामना उसके पिता हिहाची से होता है। इसका मतलब हिहाची मारा नहीं था और वो फॉल को सर्वाइव कर गया था। फाइनल राउंड में हिहाची और काजुया के बीच फाइट होती है। हिहाची काजुया को हरा देता है और इस बार हिहाची काजुया को वोल्केनो के अंदर फेंक देता है ताकि काजुया वापस ना आ सके। सेकेंड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के दौरान जुन काजुया से प्रेग्नेंट हो जाती है और जुन एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो जिन कजामा रखती है। और सेकेंड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के 16 साल बाद जुन अपने बेटे जिन के साथ रहती है, जहां वो अपने बेटे को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देती है। दूसरी तरफ हिहाची मिशिमा जैबात्सु पर अपना कंट्रोल जमा चुका है। इस दौरान हिहाची को एक पावरफुल बींग तोशिन एके ओगर के बारे में पता चलता है। हिहाची अपनी आर्मी के साथ मेक्सिको के टेंपल में ओगर की तलाश करता है और अनजाने में ओगर को आजाद कर देता है। ओगर के आजाद होने के बाद दुनिया भर से कई मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स गायब होने लगते हैं। हिहाची को शक है कि ये सब ओगर कर रहा है। इस दौरान जुन ओगर के प्रेजेंस को सेंस करती है और वो अपने बेटे जिन को बताती है इन फ्यूचर अगर उसे कुछ हुआ तो वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाए। और अनफॉर्चुनेटली एक दिन ओगर जुन पर हमला कर उसे जान से मार देता है। जिन अपनी माँ को बचाने में नाकाम रहता है और अब जिन ओगर से बदला चाहता है। जिन हिहाची के पास पहुंचकर हिहाची के अंदर ट्रेनिंग लेता है ताकि वो ओगर से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। और हिहाची से ट्रेनिंग लेकर जिन मिशिमा स्टाइल कराटे को मास्टर करता है। इस दौरान हिहाची थर्ड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट शुरू करता है ताकि वो ओगर को ढूंढकर उसकी पावर को अचीव कर सके। टूर्नामेंट में कई फाइटर्स के साथ गॉड ऑफ फाइटर ओगर पार्टिसिपेट करता है। जिन सारे फाइटर्स को हराते हुए टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है, जहां आखिरी राउंड में जिन का सामना ओगर से होता है। जिन ओगर को हराकर अपना बदला पूरा करता है, लेकिन तभी हिहाची अपनी आर्मी के साथ जिन पर हमला कर देता है। यहाँ हिहाची ने जिन को यूज किया ताकि वो ओगर को कैप्चर कर उसकी पावर हासिल कर सके। और हिहाची को शक था कि कहीं काजुया की तरह जिन भी डेविल जीन कैरी करता हो। इसी वजह से हिहाची जिन को गोली मार देता है, लेकिन इस प्रोसेस में जिन का डेविल जीन ट्रिगर हो जाता है और वो हिहाची को टेंपल से नीचे गिराकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हिहाची कई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करता है, जहां वो अपने और ओगर के डीएनए को मिलाकर पावर अचीव करने की कोशिश करता है। लेकिन हिहाची की बॉडी में डेविल जीन ना होने की वजह से एक्सपेरिमेंट नाकाम रहता है। इस दौरान हिहाची अपने ग्रैंडसन जिन को ढूंढना जारी रखता है, लेकिन वो जिन को ढूंढने में नाकाम रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में हिहाची के हाथ एक फोटोग्राफ लगता है। फोटोग्राफ एक जली हुई बॉडी की है जो दिखने में काजुया की तरह लग रहा है। बिना समय गवाए हिहाची इन्वेस्टिगेट करता है। हिहाची की इन्वेस्टिगेशन उसे जी कॉरपोरेशन नाम के एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी की ओर ले जाती है। यहाँ हिहाची को शक है कि काजुया शायद अब भी जिंदा है। हिहाची जैबात्सु आर्मी की एक स्क्वाड जी कॉरपोरेशन भेजता है और हिहाची का शक सही निकलता है। काजुया अब भी जिंदा है। किसी तरह जी कॉरपोरेशन को काजुया की जली हुई बॉडी मिली थी और जी कॉरपोरेशन ने काजुया को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, जिससे काजुया रिकवर हो गया। काजुया हिहाची के द्वारा भेजे गए स्क्वाड को धूल चटाकर वहां से भाग जाता है। इस बीच थर्ड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के 2 साल बाद सबसे छुपकर जिन कजामा 2 साल तक ट्रेडिशनल कराटे प्रैक्टिस करता है। और कुछ ही समय बाद हिहाची फोर्थ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट यानी टेकन 4 अनाउंस करता है, इस उम्मीद में कि टूर्नामेंट में उसके सन और ग्रैंडसन पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा ही होता है। फोर्थ टूर्नामेंट अनाउंस होते ही काजुया और जिन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। काजुया अपने पिता से बदला चाहता है और थर्ड टूर्नामेंट में जिन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिन मिशिमा ब्लडलाइन को खत्म करना चाहता है। काजुया और जिन दोनों टूर्नामेंट में सबको हराते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान जिन कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ काजुया फाइनल राउंड तक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि असल में जिन कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि जैबात्सु आर्मी के हेल्प से हिहाची ने जिन को बंदी बना लिया था ताकि वो जिन की पावर यानी
डेविल जीन को हासिल कर सके। यहाँ अपने बेटे को पहली बार देखकर काजुया के अंदर का डेविल काजुया पर हावी होने लगता है और वो जिन की डेविल पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम रहता है और इस प्रोसेस में जिन अपने होश में आ जाता है और काजुया को फाइट में हरा कर जिन से लड़ता है। जिन हियाची को हरा देता है, लेकिन इससे पहले वो हियाची को किल ब्लो मारता, जिन को अपनी माँ से जुड़ा एक विजन आता है जिसे देखकर जिन हियाची और काजुया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिन के वहाँ से जाते ही जी कॉर्पोरेशन के द्वारा भेजे गए जैक्स रोबोट काजुया और हियाची पर हमला कर देते हैं और एम्बुश को सर्वाइव करने के लिए काजुया और हियाची साथ मिलकर जैक्स रोबोट का सामना करते हैं। फाइट के दौरान काजुया मौका देखकर हियाची को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है और तभी हियाची को खत्म करने की कोशिश में सारे जैक्स रोबोट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं और हियाची के साथ पूरा डोजो तबाह हो जाता है। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद एक अनजान शख्स फिफ्थ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट यानी टेकन 5 अनाउंस करता है। जिन और काजुया एक बार फिर टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं। यहाँ जिन अपने डेविल जिन से छुटकारा पाना चाहता है। दूसरी तरफ काजुया ये पता लगाना चाहता है कि फिलहाल मिशिमा जायबात्सु को कौन कंट्रोल कर रहा है और जी कॉर्पोरेशन का ओनर कौन है और वो कौन था जिसने जैक्स रोबोट से हमला करवाया था। टूर्नामेंट के दौरान जिन और काजुया को पता चलता है कि वो अनजान शख्स जिसने टेकन 5 को शुरू किया वो कोई और नहीं बल्कि जिनपाची मिशिमा है, जो कई सालों से डोजो के नीचे कैद था। लेकिन जब जैक्स रोबोट ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया तो एक्सप्लोजन की वजह से जिनपाची अपने कैद से आजाद हो गया और यहाँ जिनपाची रिवील करता है कई सालों से एक डेविल उसके ऊपर हावी है और वो अपने आप को उस डेविल के कंट्रोल से आजाद करना चाहता है और इसी वजह से उसने टेकन 5 की शुरुआत की इस उम्मीद में कि कोई उसे हराए और उस डेविल से उसे मुक्ति मिले। जिन टूर्नामेंट में आगे प्रोसीड करता है और आखिर में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को हराकर उन्हें मुक्ति दे देता है और मिशिमा जायबात्सु को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कुछ समय बाद जिन मिशिमा जायबात्सु कंपनी का यूज करते हुए पूरी दुनिया में वार शुरू कर देता है, जिस वजह से पूरी दुनिया में कई मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। इस दौरान काजुया जी कॉर्पोरेशन को अपने अंडर कर लेता है। यहाँ काजुया जिन को रोकना चाहता है क्योंकि वार की वजह से कई मासूम जानें जा रही हैं। काजुया जिन को रोकने के लिए जिन के ऊपर बहुत बड़ा प्राइज मनी रखता है, जिसके बदले में जिन टेकन 6 अनाउंस करता है ताकि वो काजुया और जी कॉर्पोरेशन को रोक सके। इस बीच जायबात्सु आर्मी का फील्ड लीडर लार्स अलेक्जेंडरसन वार को रोकना चाहता है। इस वजह से लार्स जायबात्सु आर्मी के कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर पूरी जायबात्सु आर्मी को रोकने की कोशिश में लग जाता है। इस दौरान टेकन 6 टूर्नामेंट में कई फाइटर्स के साथ हियाची भी पार्टिसिपेट करता है। असल में हियाची मारा नहीं था, धमाके ने हियाची को दूर फेंक दिया था जिस वजह से वो जिंदा बच गया था। इस बीच हमें ये पता चलता है कि लार्स असल में हियाची का बेटा है। पूरी दुनिया में वार होने की वजह से चारों तरफ केओस से भरा माहौल है और लार्स ये सब खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो जिन का पीछा करता है। जिन का पीछा करते हुए वो इजिप्ट तक पहुंचता है। यहाँ जिन लार्स के सामने रिवील करता है कि क्यों उसने पूरी दुनिया में वार शुरू किया। असल में हुआ ये था, टेकन 4 के दौरान जब जिन और काजुया के बीच फाइट हुआ था, उस दौरान अजाजिल नाम का एक लेजेंडरी एंशिएंट मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग गया था। लेकिन उस समय अजाजिल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था। अजाजिल ने जिन के कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट किया और जिन से इस दुनिया में नेगेटिव इमोशन फैलाने को कहा ताकि अजाजिल अपने फिजिकल फॉर्म में आ सके। जिन ने रिसर्च किया और उसे पता चला कि असल में अजाजिल ही डेविल जिन का पहला होस्ट है और अगर वो अजाजिल को खत्म करता है तो उसके साथ उसके अंदर का डेविल जिन भी खत्म हो जाएगा और जिन को हमेशा के लिए डेविल जिन से छुटकारा मिल जाएगा। इसी वजह से जिन कजामा ने पूरी दुनिया में वार शुरू किया ताकि वार के नेगेटिव इमोशन से अजाजिल अपने फिजिकल फॉर्म में आए और जिन अजाजिल को खत्म कर सके। और अजाजिल को सिर्फ वही मार सकता है जो डेविल जिन कैरी करता हो, लेकिन अजाजिल को मारने के प्रोसेस में जिन खुद भी मर सकता है। अजाजिल अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ अजाजिल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिन अपनी पूरी ताकत एक पंच में झोंक देता है और अजाजिल पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। सबको लगता है अजाजिल के साथ जिन भी मर चुका है, लेकिन रेविन रिपोर्ट करता है कि जिन अब भी जिंदा है और उसके कंधे पर अब भी डेविल का निशान है। इसका मतलब जिन के अंदर अब भी डेविल जिन है। रेविन जिन को पकड़कर हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जाता है,
लेकिन बीच रास्ते में जिन को होश आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर को तबाह करके वहां से भाग जाता है। लेकिन इस दौरान यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स जिन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर लार्स आकर जिन को बचा लेता है और जिन को अपने साथ ले जाता है। इस दौरान जिन के गैरहाजिरी में हिहाची मिशिमा जायबात्सु को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस बीच काजुया जी कॉरपोरेशन का मालिक बन चुका है और जी कॉरपोरेशन कुछ ही समय में काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है। हिहाची मिशिमा डोजो को रिस्टोर करवा कर डोजो में मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन एक दिन डोजो में अकुमा आकर हिहाची पर हमला करता है। अकुमा बताता है कि वो काजुमी का दोस्त है और वो यहाँ काजुमी की मौत का बदला लेने आया है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन उनके फाइट के दौरान वहाँ जैक रोबोट्स आ जाते हैं जिसे काजुया ने हिहाची को मारने भेजा है। अकुमा और हिहाची मिलकर सारे रोबोट्स का खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ते हैं। अकुमा फाइट जीत जाता है और हिहाची मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। ये सब देखकर काजुया काफी खुश होता है। हिहाची के बाद काजुया को खत्म करने अकुमा जी कॉरपोरेशन पहुंचता है। दोनों जी कॉरपोरेशन के रूफटॉप पर लड़ते हैं। फाइट के दौरान काजुया डेविल काजुया में बदल जाता है। इस दौरान हमें पता चलता है हिहाची मरा नहीं था, वो जिंदा है और हिहाची पूरी फाइट रिकॉर्ड कर रहा था। हिहाची काजुया के डेविल काजुया में बदलने का इंतजार कर रहा था और काजुया के डेविल में बदलते ही हिहाची काजुया की असलियत पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर देता है और अकुमा और काजुया का खात्मा करने के लिए हिहाची अपने मिशिमा सैटेलाइट से जी कॉरपोरेशन पर लेजर स्ट्राइक से हमला कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, लेकिन काजुया और अकुमा बच जाते हैं। गुस्से में आकर काजुया अपनी डेविल लेजर से सैटेलाइट पर स्ट्राइक कर देता है, जिस वजह से सैटेलाइट अर्थ के अंदर क्रैश कर जाता है, जिस वजह से कई मासूम लोग मारे जाते हैं और सैटेलाइट पर मिशिमा कंपनी का लोगो होने की वजह से सारा इल्जाम हिहाची पर आ जाता है, जिसके बाद काजुया और हिहाची वोल्केनो में आपस में डेथ बैटल करते हैं। लड़ाई में काजुया जीत जाता है और वो हिहाची को वोल्केनो में फेंक देता है, लेकिन तभी अकुमा वहां आकर काजुया पर हमला करता है और दोनों के बीच फाइट होती है। दोनों में से कौन जीतता है ये हमें नहीं दिखाया जाता और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। क्रेडिट रोल होने के बाद हम देखते हैं जिन कजामा अब पूरी तरह रिकवर हो चुका है और उसने अपनी डेविल पावर पर पूरा कंट्रोल पा लिया है और वो किसी भी हाल में काजुया को नहीं छोड़ेगा और इसी के साथ स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं खत्म हो जाती है। आप सब कमेंट करके बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और गाइज, सीरीज एक्स चैनल 100 के माइलस्टोन के काफ़ी करीब है और मेरा बर्थडे भी काफ़ी करीब है, जो कि है 7 अक्टूबर को। और गाइज, मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे से पहले चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर हो जाएं। तो गाइज, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। सो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सीरीज एक्स। आई एम आउट।